गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। इन अवर लास्ट क्लास वी स्टार्ट द लेसन नंबर 9, ग्रीन प्लांट्स। एंड मैंने जैसे आपको बताया था, हमने लेसन में पढ़ा, प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं, उन्हें हम ग्रीन फ्रेंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो फ्रेश एयर देते हैं, ताज़ी हवा उनसे मिलती है ना, और इसके साथ ही बहुत सी खाने की चीज़ें भी हमें प्लांट्स द्वारा मिलती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा, अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, है ना। कुछ जो होते हैं प्लांट्स की क्या है, अलग अलग प्रकार का उनका साइज़ होता है, अलग अलग उनका शेप होता है। ठीक है, अब हम पेज नंबर 57 स्टार्ट करें। सब बच्चे बुक में ध्यान दो। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बड़े और ऊँचे ऊँचे पेड़ों को हम ट्रीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़े और ऊंचे प्लांट्स को हम ट्रीज़ कहते हैं। ट्रीज़ आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज। ट्रीज़ जो होते हैं अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के होते हैं। कॉमन ट्रीज़ अराउंड अस आर बेनियन, पीपल, नीम एंड मैंगो। हमारे आसपास पाए जाने वाले कुछ कॉमन ट्रीज़ में बेनियन ट्री है। बेनियन देखो इस तरह से, ये जो ट्री है ये बेनियन ट्री है। बेनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़ और मैंगो मतलब आम, आम का पेड़। ये वो पेड़ हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। इसके साथ ही ये प्लांट जो है हमारे आसपास के वातावरण में हमें आराम से हमारे घरों के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। ओके, बुशी एंड हार्ड प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब्स। जो बुशी मतलब झाड़ियों वाले और हार्ड मतलब बहुत कठोर या सख्त, तो झाड़ियों वाले सख्त प्लांट्स को शर्ब्स कहते हैं। कॉमन शर्ब्स अराउंड अस आर हिना, रोज, चाइना रोज एंड बोगनविले। कुछ कॉमन शर्ब्स जो हमें हमारे आसपास के वातावरण में दिखाई देते हैं वो है हिना। हिना मतलब मेहंदी, गुलाब, चाइना रोज मतलब गुड़हल और बोगनविले, ये एक प्रकार की बेल होती है। हमें हमारे आसपास के वातावरण में जो शर्ब्स दिखाई देते हैं उनमें ये कॉमन है। शॉर्ट एंड सॉफ्ट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो बहुत छोटे होते हैं और जो बहुत सॉफ्ट होते हैं उन प्लांट्स को हम हर्ब्स कहते हैं। सम कॉमन हर्ब्स अराउंड अस आर मस्टर्ड, स्पिनेच, फर्लॉक्स एंड कोरिएंडर। हमारे आसपास के वातावरण में हम जो कॉमन हर्ब्स देखते हैं वो है मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों, स्पिनेच मतलब पालक, फॉयलेक्स एंड कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिया। ये वो हैं जो हमें हमारे कॉमन आसपास पाए जाने वाले हर्ब्स हैं। देयर आर सम प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड बाय देमसेल्फ। कुछ ऐसे प्लांट्स जो रहते हैं जो खुद से खड़े नहीं हो पाते। अब वो खुद से खड़े क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनके जो तने रहते हैं वो बहुत नाजुक रहते हैं, बहुत कोमल रहते हैं उनके तने। दे ग्रो ऑन द ग्राउंड ओनली, और वो सिर्फ ग्राउंड में मतलब ज़मीन पे ही वो बढ़ते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर। इस तरह के प्लांट को क्रीपर कहते हैं। कॉमन क्रीपर आर पम्पकिन, गोल्ड मेलन और एक्सेट्रा। पम्पकिन, पम्पकिन क्या होता है? कद्दू। गोर्ड मतलब लौकी और मेलन मतलब तरबूज या खरबूज। ये इस तरह के प्लांट्स हैं जो आपने देखा होगा। अब कद्दू कितना बड़ा साइज़ में रहता है ना, तरबूज खरबूज भी बहुत बड़े साइज़ में होते हैं, लौकी की साइज़ भी बड़ी होती है। तो क्या होते हैं ये लोग? भारी होते हैं, इनके वज़न बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जिन पेड़ों पे लगता है ना, इनके पेड़ों को बोलते हैं बेल, है ना, बेल मतलब क्रीपर। और इनकी जो बेलें होती हैं वो ज़मीन में ही धीरे धीरे करके ग्रो करती हैं, इसलिए जो प्लांट है ज़मीन पर ही रहते हैं। इनकी जो ऐसे ऊंचे ऊंचे पेड़ों जैसी नहीं रहती, इनकी जो बेलें रहती हैं वो ज़मीन पे ही ग्रो करती हैं, और ये जो पेड़ हैं मतलब इनके जो फल हैं वो नीचे ही लटकते रहते हैं। ठीक है, सम वीक प्लांट स्टैंड बाई टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द अदर प्लांट। कुछ ऐसे कमज़ोर प्लांट होते हैं, उनके भी तने बहुत कमज़ोर रहते हैं और वो दूसरे पेड़ों की सहायता से या स्टिक की सहायता से ऊपर बढ़ते हैं या ऊपर चढ़ते हैं। उन दे आर कॉल्ड क्लाइंबर, उनको हम क्लाइंबर कहते हैं।
कॉमन क्लाइंबर आर ग्रेप वाइन स्वीट पी एक्सेट्रा। कुछ क्लाइमन कॉमन क्लाइंबर जो हमें आसपास दिखाई देते हैं वो है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मतलब अंगूर की बेल और स्वीट पी, इस तरह से कॉमन प्लांट्स हैं जो हमें हमारे आसपास दिखाई देते हैं। सम प्लांट हैव थॉर्न्स ऑन देम। थॉर्न्स, थॉर्न्स मतलब कांटे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें कांटे होते हैं। एग्जाम्पल्स आर रोज प्लांट, कैक्टस एक्सेट्रा। जो वो प्लांट जिनमें कांटे होते हैं वो कौन से होते हैं? रोज़ प्लांट। रोज़ का पौधा कांटों का भरा होता है। गुलाब के पौधे में बहुत सारे कांटे होते हैं, आपको पता ही है। कैक्टस, कैक्टस भी ना, कैक्टस मतलब नागफनी। देखो ये चित्र में दिखाए, ये है कैक्टस का पौधा, इसमें भी बहुत से कांटे होते हैं। इस तरह से हमने देखा अलग अलग तरह के बहुत से प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट जो बड़े बहुत ऊँचे और हार्ड होते हैं वो ट्री होते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो झाड़ियों के जैसे होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो क्या होते हैं? वो शर्ब्स होते हैं। फिर हमने कुछ अलग प्लांट के बारे में पढ़ा जो बहुत छोटे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम हर्ब्स कहते हैं। इसके बाद हमने क्लाइंबर और क्रीपर के बारे में पढ़ा। क्रीपर क्या होता है? इनके तने बहुत कमज़ोर होते हैं और इन पे आने वाले जो फल होते हैं वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, भारी होते हैं, तो इसलिए ये ज़मीन में ही क्रीपर ग्रो करती है। इसके बाद हमने पढ़ा क्लाइंबर के बारे में। क्लाइंबर क्या होता है? इनकी स्टेम्स बहुत वीक होती है, कमज़ोर होती है, और ये किसी दूसरे प्लांट की सहायता से या स्टिक की सहायता से या दीवार की सहायता से ये ऊपर चढ़ते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं, ठीक है। इस तरह हमने पढ़ा अलग अलग तरह के प्लांट्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा। नाउ स्टूडेंट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू। हरे कृष्णा।